वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। दिग्विजय तिवारी, इतना भ्रष्टतम अधिकारी था यहाँ, उस पर बीडीओ का चार्ज था रजपुरा का, और वो यहाँ का डीडीओ था। सारे जितने भी यहाँ के बीडीओ थे, जितना स्टाफ था, सब उसके अंडर में काम करता था। वो नंबर एक का चरित्रहीन था और उस पर कई तरह के आरोप लगे, और उस पर उसको घोटाले में जो है, जो मनरेगा के घोटाले हो ना, उसमें अभी भी जेल में बंद है वो। आप पता कर लो, लखनऊ की जेल में बंद है वो। और मैंने कमिश्नर साहब से और डीएम साहब से उसकी शिकायत की थी, लेकिन उसकी अभी जाँच तक नहीं बैठाई गई। और वही जो है, उसी से मिला जुला एक मुकेश कुमार जो वहाँ बैठता है, जिसने हमारी वोटों पे जो है डिलीट कर दिया। लगभग 15,000 वोट मैंने निकलवा के दिया रिकॉर्ड, 15,000 वोट हमारी डिलीट की गई। अब ये कहेंगे जाएंगे आपको टोटल कितनी वोट, अब हम टोटल मिली है कुछ कितने से, कितनी वोटों से 2,000 से, 2,000 के लगभग 1918 अभी हो जाएगा। 1900 वोटों से आपकी हार है? अभी नहीं, अभी हम हार नहीं मान रहे। अभी जो है जब लास्ट अनाउंस हो जाएगा तब। सुन लो ठीक है, बिल्कुल जहाँ जो उचित मंच होगा मैं वहाँ करूँगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से करूँगा, और पूरा जो भी यहाँ के जो है हमारे बड़े नेता होंगे, पहले उनसे विमर्श करूँगा, उसके बाद में चुनाव आयोग में जाऊँगा। क्या आपने रिकाउंटिंग भी कराई अंदर? आपने बिल्कुल बिल्कुल, शाहिद मंजूर के यहाँ गुर्गे हैं कई अधिकारी, शाहिद मंजूर गुर्गे हैं, और वो पैसा लेते हैं। यहाँ पैसा लिया गया। आपने रिकाउंटिंग कराई थी? रिकाउंटिंग तो अब क्या कराएं, जब उन्होंने जो है उनको ये उन्होंने पूरा डिलीट कर दिया, उनको कैंसिल कर दिया। हमारे जो उसके उस तरह के बैलेट थे जो उसमें आए थे, उनको कई को कैंसिल कर दिया, अंगूठा लगा दिया।